इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इतना बड़े जोश और जज्बे का इजहार किया, हर जुमे को खड़े होंगे, ये होंगे। हमारी कश्मीर पॉलिसी भी जो है वो 2020 में मध्यम होती होती लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है फ्रंट लाइन तक ही रह गई। जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप। जी जी जी, देखिए मेरा स्टाफ तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि स्टैंडिंग आर्मी जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो आपके फाइनेंसेस में, आपकी इकोनॉमी में, आपके किसी और मसले में, तो स्टैंडिंग आर्मी एवर रेडी आर्मी होती है। और उसको ऑल्दो हर जंग का जो है ना एक असर होता है इकोनॉमी पर, हर चीज पर। यह भी हमें मालूम है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान खुली जंग नहीं हो सकती, लिहाजा जिस तरीके की पैसिविटी और जिस किस्म का डिफेंसिव एटीट्यूड हमने इस पूरे साल में रखा है, कम अज कम मैं तो उस पर शर्मिंदा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम उन पर चढ़ाई कर देते, लेकिन पहले भी जो 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 मेरी बात समझते हैं, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले भी तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी उसके बराबर के तो नहीं थे और हमारी इकोनॉमी भी कई दफा उनसे हमेशा ही उनसे छोटी रही है, फौज भी उनसे छोटी रही है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो पिछले साल में हुआ है कि रोज के हिसाब से एक दो लोग आपके शहीद हो रहे हैं सिविलियन, और आप रोज कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब एक दफा दुश्मन वो काम करे और आपकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब हो तो दूसरी दफा वो काम ना करे। तो ये जो हम हिचकिचाए हैं छोटे ऑपरेशन से और छोटे जवाब देने से, ये मेरी समझ से बाहर। जी खुर्शीद कसूरी साहब, आप भी समझते हैं कि 2020 में पाकिस्तान की जो भारत के खिलाफ हिकमत अमली है वो दिफाई रही है, वो उस तरीके से मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानियों को उस पर फख्र है और एक प्रोफेशनल आर्मी है और बैटल टेस्टेड आर्मी है। अब मैं जनरल साहब जितना नई फौज को समझता तो मैं एज अ सिविलियन उसका जवाब दूंगा। वो ये है कि एक जनरल इंप्रेशन, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया को भी पढ़ता हूँ, जो जनरल साहब भी सुनते होंगे पढ़ते होंगे, और मैं वेस्टर्न मीडिया को भी देखता हूँ, वहां ये इंप्रेशन नहीं हुआ कि पाकिस्तान कमजोर है या पाकिस्तान को पीछे हट गया है या भारत की को बड़ी बालादस्ती है। ये इंप्रेशन कम अज कम मुझे नहीं हुआ। जो स्ट्रेटजी का इन्होंने फरमाया वो मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं कि मेरी वो सोच समझ नहीं है डिफेंस के बारे में जितनी जनरल साहब जानते हैं, लेकिन एज अ सिविलियन, क्योंकि मैं सारा वर्ल्ड मीडिया रोज सुबह देखता हूं और तमाम बड़े जो है फॉरन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन जो भी है, मुझे ये इंप्रेशन नहीं हुआ कि पिछले साल में ये दुनिया कह रही हो कि भारत ने पाकिस्तान को नीचे लगा लिया है। जनरल इंप्रेशन तो ये आ रहा है कि अभी मैंने बल्कि एक वो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में जब गया, अब ये कंटिन्यूएशन होती है पॉलिसी की और ओबामा किताब अब लिख रहे हैं। अगर मैं चार साल पुरानी किताब लिखूं, मैं लिख रहा हूं इंशाल्लाह, अब के मैं उर्दू में लिख रहा हूं मोदी के बारे जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान इंडिया की पोजिशन है, तो अब मेरे जमान में यह भी होगा, चाहे 2021 में लिखूं कि 2018-19 में क्या हुआ, लेकिन 2021 इज इंपॉर्टेंट। ओबामा ने अब किताब लिखी है और उन्होंने उसमें यह कहा है कि हिंदुस्तान वाले बड़े इस बात पर इतराते थे कि देखे जी हम पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का। मैं हैरान हो गया यह पढ़ के। मेरा ख्याल ये था कि वो तो समझते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान जो है, और वो ये कहना कि उन्होंने बड़ी पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन हमारे मुकाबले बनाए हैं, तो उन्होंने बहुत सी चीजें आई हैं। मुझे इंप्रेशन ये नहीं मिला
रिगार्डलेस जो जनरल साहब ने बात की इसका एक ऑडियंस होगा जो मुझसे बेहतर समझता है, वो नेचुरली डिफेंस फोर्सेस में होगा। तो लेकिन मुझे एज अ समबडी हु लुक्स एट इंटरनेशनल अफेयर्स वेरी वेरी अक्यूटली ऑन अ डेली बेसिस, जनरल इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है। पाकिस्तान की फौज ने फौरन जवाब दिया, मसलन ये चीज भुलाई नहीं गई कि उन्होंने हम पे हमला किया और रात को किया बालाकोट के बाद। पाकिस्तान की फौज ने एयरफोर्स दन दनाते हुए सुबह उसका जवाब दे दिया और उनके दो जहाज गिरा दिए, पायलट कैप्चर कर लिया। तो इंप्रेशन जो है वो एक्चुअली ये नहीं, दुनिया में नहीं गया, लेकिन नेचुरली मैं नहीं बता सकता कि जिन डिफेंस सर्कल्स का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं उनका क्या पैमाना है। शायद पाकिस्तान को कुछ और करना चाहिए था, लेकिन मैं जो आपको इंप्रेशन दे रहा हूं एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, एज अ सिविलियन जी, इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये आप पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये समझते हैं कि जो एक तो ये दिफाई स्ट्रेटजी है, एक सफारती हिकमत अमली जो है, क्या वो उतनी मौसर रही, उतनी मुतहर्रक रही कश्मीर के मामले में कि वहाँ पे कोई रिलीफ आ सके, या वो भी आप ये समझते हैं कि उसमें भी हमारा रवैया जो है वो पैसिव रहा? नहीं, मैं मेरे अपने ख्याल में हमारी सफारती काविशें तो इस पिछले साल में बहुत अच्छी रही, क्योंकि दो बहुत बड़े तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से। एक तो ये कि पूरी दुनिया को कश्मीर के मसले का पता चल गया अच्छे तरीके से। आपने देखा कि यूके की पार्लियामेंट में भी बात उठी और यूरोपियन गाइस, ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान के इस रिटायर फौजी ने कुछ हद तक सच्चाई बोल दी, और उसने बोला कि पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में जो भारत से सामना करना पड़ा है उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने लगभग सरेंडर कर दिया, इनडायरेक्टली इसने यही बोला है। और यहाँ पर ये पाकिस्तान का भूतपूर्व विदेश मंत्री कुरैशी भी बैठा है, महमूद कसूरी भी बैठा हुआ है। तो ये महमूद कसूरी को आपने सुना, हालांकि ये आपको बताया है मणिशंकर अय्यर का क्लासमेट रह चुका है, और ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ा पागल है, बेवड़ा है, अजीब सी बातें करता है, मतलब इसको पता नहीं ये कौन सी दुनिया में जीता है, ये ऐसी फालतू की बातें करता रहता है। और आपने देखा कि जो फौजी ने बोला उसको भी ये बोलने लगा कि पता नहीं ये जनरल साहब कैसी बात कर रहे हैं ये और वो। अब ऑब्वियसली फौजी ज़्यादा जानता है कि किस तरीके से जवाब देना चाहिए, किस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। इस फौजी ने डेफिनेटली बहुत हद तक सच बोला है, लेकिन फौजी भी ये पाकिस्तान का है, आपको पता है ये वही फौजी है जो पाकिस्तान के साथ जितनी भी इंडिया की वॉर हुई है उसमें क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान जीता है वो वॉर, इस तरीके की बातें ये करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन फौजियों की मेंटेलिटी क्या है, और ये महमूद कसूरी की भी मेंटेलिटी क्या है। तो यहाँ पर साल ख़त्म हो रहा था, ये बातें कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी पहुंच बनाई है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को तो घंटा कुछ मिला है नहीं। ये अब जो वार्डन आ रहा है यूएस में नया प्रेसिडेंट, उसको लेकर पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है जैसे कि वो कश्मीर इनको दिलवा देगा, हालांकि उसने आते से ही आपको पता है किस तरीके से रिएक्शन दिया है, उसके बाद इन लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों महमूद कसूरी किसी तरीके की आदत है, इसी तरीके की बातें करता है, एक अलग ही दुनिया में जीता है, अलग ही टाइप के इसके एनालिटिक्स हैं, इस तरीके की बातें ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी यही करते थे, आज बीजेपी गवर्नमेंट है यही करते हैं, इनका एक अलग ही चलता रहता है, इनका अलग ही पैमाना है। पता नहीं ये किस नज़रिए से भारत को देखते हैं, शायद ये इनके भारत में कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट हैं जैसे कि ये नाम लेता रहता है, जैसे द वायर को काफ़ी रेफरेंस देता है, शेखर गुप्ता का रेफरेंस देता है, तो उन्हीं चुनिंदा जर्नलिस्टों के अलावा इसने भारत को देखा ही नहीं है, उसके अलावा ये कुछ बातें ही नहीं करता, तो उन्हीं को कोट करते हुए ये बातें करता रहता है। हालांकि फौजी ने बहुत हद तक सच बोला है कि पाकिस्तान आर्मी मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाई है, और ये सच है, पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पाई, उनको पता है कि इंडिया के सामने वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये फौजी बोलता ज़रूर है कि इतना स्ट्रांग है, ये है वो है, इनका कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, इनकी दम नहीं है कि भारत में अब ये कुछ कर सके, बस इनकी एक ही औकात है, ये प्रॉक्सी वॉर, ये वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी कैंप में कुछ यूथ को ट्रेंड करेंगे जो आतंकवादी भेजेंगे कश्मीर, बम ब्लास्ट करो ये वो, उनका अब यही चल रहा है, इनके अलावा इसके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नए साल की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, उम्मीद करते हैं आपका परिवार नए साल में बहुत सुरक्षित रहे, और अगर आपके परिवार में 2020 में किसी की कोरोना से
डेथ हुई है, तो उनको भी मैं मतलब शांतिपूर्वक उनको भी हाथ जोड़कर याद करता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कोरोना से डेथ हुई है, तो आपके परिवार में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको भी शांतिपूर्ण नमन करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।